हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के सिलेबस को। क्लास 11 के सिलेबस के अंदर टोटल हम लोगों को 22 चैप्टर्स कवर करने होंगे और इन 22 चैप्टर्स को टोटल 5 यूनिट के अंदर रखा गया है, यानी कि हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं और उन 5 यूनिट्स के अंदर हमें 22 चैप्टर्स कवर करने होंगे। बहुत जरूरी बात यह है कि जो भी 11th का सिलेबस है हमारा, वो 12th के कंपेयर में और 10th के कंपेयर में, दोनों के कंपेयर में काफी लेंदी है। क्यों लेंदी है? क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चैप्टर भी कवर करने होंगे और सबसे मजेदार बात यह है कि 11th के सिलेबस के अंदर पूरी की पूरी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, पूरी की पूरी एनाटॉमी पढ़नी है, पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, साइटोलॉजी पढ़नी है। तो जितना मतलब आप बोल सकते हो कि बायो का जो जान है, यानी कि जिनसे क्वेश्चन बनता है, वो पूरा का पूरा आपके 11th के सिलेबस में दे रखा है। अब यहां पे अगर हमने थोड़ा सा भी अपना दिमाग भटकाया तो कंपटीशन एग्जाम से बायो आपको भटका देगा। इसलिए पूरा का पूरा आपको दिमाग लगा करके और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलना पड़ेगा। तो क्लास 11th आपके लिए, अगर आपने बायो लिया है तो उसको इजी वे में लेकर के, मतलब उसको हल्के में लेकर के ना पढ़ना। ये ना सोचना कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है या फिर बहुत सारे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। जब आप एक बार कभी कंपटीशन का एग्जाम दो तब आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना होता है। इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों को लगना है। 11th हमारा, अगर बेस हमारा पूरा मजबूत रहेगा तो 12th मैं एश्योर करता हूं आपको कि 12th आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसको नाम दिया गया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहला जो यूनिट है हमारा, उसके अंदर टोटल 4 चैप्टर कवर करने होंगे। पहला डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा हम लोगों को पढ़ना होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर हम लोग कवर करेंगे प्लांट किंगडम और फोर्थ चैप्टर हम लोग कवर करेंगे एनिमल किंगडम। तो टोटल 4 चैप्टर्स हम लोगों को कवर करने हैं इस पूरे यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर। चैप्टर्स थोड़े से बड़े होंगे लेकिन अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला चैप्टर हमने लिखा हुआ है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं। जब भी हम लोग क्लास 8, 9, 10, मुझे पता है कि आप सारी चीजें ये पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी 11th में आने पे एक बार इसको रिवाइज कर लेना जरूरी है ताकि ये दिमाग में बैठा रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम 22 के 22 चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे अगर उससे क्वेश्चन बनता है तो वो छूट ना जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक, बायोलॉजी का बेसिक क्या है। यहां पर मैंने टर्म लिखा हुआ है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, आपने अक्सर करके डेफिनेशन रटा भी होगा, पढ़ा भी होगा, कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि साइंस का वह ब्रांच जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? अब ये रटा रटा है डेफिनेशन हो गया। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं इसको बोलता हूं कि जो बायोलॉजी है ये अलग अलग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड है, एक है बायोस और दूसरा है लॉगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आप जहां पे भी लॉजी टर्म होता है उसका मतलब स्टडी बोलते हो, जैसे साइटोलॉजी सेल की स्टडी, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी। तो ऐसे ही हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। यहां पर लिखा भी है लिविंग प्लस स्टडी। तो ये हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। कभी कभी मैं बच्चों से जब पूछता हूं कि बायोलॉजी को डिफाइन करो तो वो बायोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, वो बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, इट्स कॉल्ड एज बायोलॉजी। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं, मतलब आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि लाइफ की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। द स्टडी ऑफ लाइफ इज नॉट द बायोलॉजी, इट इज नॉट ट्रू। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों अलग अलग है। मैं आपको समझा दूं कि जो लाइफ होता है, लाइफ वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। लाइफ को समझा नहीं जा सकता है, लाइफ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। लाइफ एक पजल है ना, एक मिस्ट्री है हमारे लिए। लाइफ के बारे में ये बोला जाता है कि लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बने, तो बायोमोलिक्यूल्स बना, उसी की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लाइफ बोल सकते हैं। इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी है ये रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है और इसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी शो करता है। और एक चीज मैं बता दूं, हमें ये तो पता है कि लाइफ सब में है, हमारे में भी है, माइक्रोब्स में भी है, फंजाई में भी है, एल्गी में भी है, सब में लाइफ है, लेकिन लाइफ को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगर हमें लाइफ ही पढ़ना है बायोलॉजी के अंदर, अगर हमें लाइफ पढ़ना है तो लाइफ नहीं पढ़ा जा सकता है। लाइफ अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र बोलते हैं इसको। अगर आपको लाइफ पढ़ना है तो आप फिलॉसफी में पढ़ सकते हो, इसके लिए आर्ट्स के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं फिलॉसफी। तो हमें यहाँ पे फिलॉसफी नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, साइंटिफिक डिस्कशन पढ़ना है। और एनसीईआरटी ने तो क्लियर कट बोला है कि वी शुड नॉट गो फॉर द स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसफिकल डिस्कशन, वी विल फोकस ऑन साइंटिफिक डिस्कशन। हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, साइंटिफिक डिस्कशन पे, फिलॉसफी के बेसिस पे नहीं। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है उसको मैं समझा दूं। सबसे पहला यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, क्वेश्चन अक्सर करके बनता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया है। याद रखिएगा कि टर्म बायोलॉजी अक्सर बच्चों से पूछा जाता है तो वो एरिस्टोटल बोलते हैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं क्यों बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो बायोलॉजी टर्म है ये सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने दिया था, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1802 के अंदर 1802 में सबसे पहले बायोलॉजी टर्म फाइंड किया था, ये दिमाग में रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो ये तो आपको पता ही होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। अच्छा इसके आगे आप हिंदी में भी लिख लीजिए अरस्तु, एरिस्टोटल का ही नाम क्या है, अरस्तु, क्योंकि आईसीएसई या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको एरिस्टोटल तो पता होते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, लेकिन अगर वहीं पे ऑप्शन में अरस्तु लिख दो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एरिस्टोटल को टिक लगाएंगे अरस्तु को नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं। तो याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग अक्सर होता है ना, जैसे मेरा नाम सीएन है तो मैं हिंदी में भी शिवेंद्र लिखता हूँ तो इंग्लिश में भी शिवेंद्र ही लिखता हूँ, इंग्लिश में मैं वीरेंद्र नहीं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी के साथ चेंज है, एरिस्टोटल अरस्तु लिखते हैं, क्लियर। इसके आगे जब हम लोग आते हैं तो हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के दो ब्रांच है आपने पढ़ा होगा, पहला एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी भी वैसे ही दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जू का मतलब होता है क्या, जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं क्या, जूलॉजी। ऐसे ही जिस ब्रांच के अंदर हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हमने नाम दिया है बॉटनी। अच्छा बॉटनी भी एक वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटेन, तो बॉटेन कौन से बॉटनी बनाया गया है, बॉटेन का मतलब एक्चुअल में होता है श्रब, बॉटेन का मतलब होता है श्रब। आपको ये तो पता ही होगा कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने प्लांट्स हैं उनको तीन फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन में मैं डिटेल बताऊंगा, पहला होता है हर्ब, दूसरा होता है श्रब और तीसरे होते हैं ट्री, एनुअल बाइनियल पेरिनियल, लाइफ स्पैन के बारे में होता है। तो याद रखिएगा कि बॉटनी का मतलब होता है श्रब, तो इसीलिए बोला जाता है कि बॉटनी जो ब्रांच है इसके अंदर हम सभी प्लांट्स की स्टडी करते हैं। यहां पे अब एक और क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी भी आपको पता ही होगा एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। ऐसे ही जब हम लोग फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, याद रखिएगा थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, तो थियोफ्रास्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है। ये इतने जो बेसिक नॉलेज है बायोलॉजी के बारे में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर, ये बेसिक नॉलेज के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर, हमें क्या पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी पढ़नी है। मतलब हमें ये तो पता है कि हमारे अंदर लाइफ है, हमारे अंदर भी लाइफ है, प्लांट्स के अंदर भी लाइफ है, माइक्रोब्स के अंदर भी लाइफ है, लेकिन हमें लाइफ नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी किसी टेंथ के बच्चे से पूछो, मतलब टेंथ पास करके जो इलेवेंथ में आता है और उससे पूछो
कि लिविंग प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ, तो वो अपनी ही प्रॉपर्टी बताता है, दौड़ना, खाना, जिम जाना, है ना, खेलना, ये अपनी ही प्रॉपर्टी बताएगा, मूवमेंट, लोकोमोशन, ये सारी चीजें। तो ये सारी के सारे जो प्रॉपर्टी है वो ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी है। प्लांट्स क्या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं सारे प्लांट्स? नहीं। तो ये सारी चीजें, मतलब हमने ये बोला कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए उससे हम लोगों को स्टडी करना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट स्टडी करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट स्टडी करिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी ने पढ़ा ही होगा कि लिविंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आपने ये तो पढ़ा होगा ना, लिविंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लिविंग प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, लिविंग कैरेक्टर्स, लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप बात करो, सबसे पहला कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो लिविंग कैरेक्टर में या लिविंग प्रॉपर्टी में पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, रिप्रोडक्शन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो तीसरे नंबर पे आपने क्या लिख लिया, मेटाबॉलिज्म। ऐसे ही चौथे नंबर पे क्या लिख सकते हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ नंबर पे आपने क्या लिखा है, कॉन्सियसनेस, या इसी को बोलते हो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। और इसके अलावा एक और ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो डेथ, मृत्यु। जो जिंदा है वही मरेगा, मरे हुए को कौन मार सकता है, है ना। तो लिविंग कैरेक्टर्स के अंदर पांच चीजें हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। हम लोग थोड़ा सा डिटेल इसके आते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल स्टडी हम लोगों को करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी जो लिविंग प्रॉपर्टी है वो क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ का मतलब ये होता है, अगर आप सिंपल किसी से पूछो कि ग्रोथ क्या है तो बोलेगा कि ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन से, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन हाइट। किसी भी चीज में अगर इंक्रीज होती है, इंक्रीजमेंट होता है, वो बढ़ती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हो रहा है। आपके दिमाग में भी ये चलता है कि जिसका साइज बड़ा हो गया, जिसकी हाइट बड़ी हो गई, वो ग्रोथ कहलाता है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ के नेचर के बेसिस पे दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है। ग्रोथ को हम लोग दो फॉर्म में पहले क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है जिसको आप बोलते हो इंट्रिंजिक ग्रोथ, एक होता है जिसको आप बोलते हो इंट्रिंजिक ग्रोथ, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंजिक ग्रोथ। तो बेसिकली कितने टाइप के ग्रोथ हो गए, दो टाइप के, इंट्रिंजिक एंड एक्सट्रिंजिक। जो इंट्रिंजिक ग्रोथ होता है, नाम से पता चल रहा है, इंट्रिंजिक का मतलब होता है मतलब इनसाइड, यानी कि जो भी ग्रोथ अंदर से होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक का मतलब होता है जो ग्रोथ बाहर से होता है। कैसे? इंट्रिंजिक ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि यहां पे जो भी ग्रोथ होगा वो बाय द सेल डिवीजन होगा। किसके थ्रू होगा? सेल डिवीजन के थ्रू। जब सेल डिवाइड करेंगे उनका नंबर बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा, चल नहीं डिवाइड करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग एक्सट्रिंजिक ग्रोथ की बात करते हैं तो भैया ये ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के डिपोजिशन होने के कारण लेयरिंग होती है, लेयर्स बनते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंजिक ग्रोथ। बाहर से केवल ग्रोथ होगा, अंदर से नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड होंगे तो वहां पे सेल का नंबर बढ़ेगा, प्लस साथ में ग्रोथ भी होगा। अच्छा, इंट्रिंसिक में और एक कहानी है। इंट्रिंसिक के अंदर जो ग्रोथ होता है वो कैसा ग्रोथ है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि वो रिवर्स ना होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 25 साल का हो गया हूं
और मैं फिर से 10 साल का होना चाहूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत मोटे हो गए हो और आप डाइटिंग वगैरह पे चले गए हो, जिम वगैरह अच्छे टाइम पे जाते हो, तो आप फिर से पतले हो सकते हो। आपके खाने की वजह से आप मोटे होते जा रहे हो, ओबेसिटी, ज्यादा तेल वगैरह खाना, ज्यादा बर्गर वगैरह खाने से आप मोटे हो गए। आप उसको छोड़ दो, जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, डाइट थोड़ा सा प्लान अपना चेंज कर लो, देखो आप पतले हो जाओगे। तो परमानेंट जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। यहां पे क्या हो रहा है, ये कैसा है, रिवर्सिबल है। ये जो ग्रोथ होता है वो रिवर्सिबल है। तो आपको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, अच्छा इंट्रिंसिक जो ग्रोथ होता है वो किसमें होगा, लिविंग सेल के अंदर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर कौन सा ग्रोथ होगा, इंट्रिंसिक। लेकिन जितने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर कौन सा ग्रोथ होगा, एक्सट्रिंसिक। ये भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के एग्जांपल्स। आपने मैजिक बॉल देखा होगा, मैजिक बॉल। मैजिक बॉल जब कभी आप छोटे होंगे या अभी भी आपने देखा होगा कि वो एक पॉलिथीन में आता है, छोटे से बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं। आप उसको बॉटल के अंदर डाल के रात भर छोड़ दो और सुबह में जब आप देखोगे तो पूरा बॉटल भरा होगा। अब अगर आप उसको ग्रोथ के हिसाब से देखते हो तो साइज बढ़ा, हाइट बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो वेट तो बढ़ा ही होगा। यानी कि अगर आप उसको लिविंग मानते हो तो उसको लिविंग मानना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो हो रही है। लेकिन वो सिर्फ वाटर के एडजॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। तो यहां पे जो ग्रोथ हो रहा है नॉन लिविंग में वो केवल डिपोजिशन ऑफ मैटर या डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। हिमालय पर्वत आपने सुना होगा कि कभी कभी उसकी लेयरिंग इतनी ज्यादा होती है, बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बहुत हाइट हो जाता है, लेकिन जब वो पिघलना स्टार्ट होते हैं तो फिर उसका लेयर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक बार बढ़ा एक बार घटा, इसका एग्जाम्पल एक्सट्रिंसिक में आप कंसिडर करोगे। तो ग्रोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बेसिस पे ये दो टाइप के ग्रोथ हमने एक्सप्लेन किए। अब इसके बाद ग्रोथ के दो और टाइप हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा भी ग्रोथ के दो टाइप और हो सकते हैं, कोई बताएगा? चलिए हम बताते हैं ग्रोथ के दो टाइप और आप कंसीडर कर सकते हो। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिमिटेड ग्रोथ। पहला एक टाइप है जिसको आप बोलते हो क्या, लिमिटेड ग्रोथ। और जो सेकंड इसमें कंसीडर हम लोग करते हैं वो है अनलिमिटेड ग्रोथ। अब ये क्या है भाई, लिमिटेड ग्रोथ क्या आपने बोला और अनलिमिटेड ग्रोथ क्या आपने बोला। लिमिटेड का मतलब होता है जो ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होता है, एक सर्टेन एज तक होता है, उस ग्रोथ को हम बोलते हैं लिमिटेड। और जो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, ऐसे को अपन लोग बोलेंगे क्या, अनलिमिटेड। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या मैं बोल रहा हूं, अनलिमिटेड और लिमिटेड में क्या चीज है। लिमिटेड ग्रोथ के अंदर आप ये देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एनिमल बॉडी पार्ट्स, आपका साइज एक पर्टिकुलर हाइट तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। आंखों की साइज भी एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है, फिर रुक जाती है। ऐसे ही अगर हम लोग प्लांट के पार्ट्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल प्लांट के पार्ट्स फ्लावर, अगर मैं आपको रोज का फ्लावर दे दूं और अगर मैं आपको लोटस का फ्लावर दे दूं तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर शेप है, एक पर्टिकुलर साइज है। ऐसा नहीं है कि फ्लावर उसमें, अगर फ्लावर एक छोटा सा फ्लावर आया तो वो जब तक लाइफ रहेगी तब तक वो बड़ा 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 होता जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग फ्रूट की बात करें, फ्रूट अगर आप खाते हो मैंगो और कटहल, तो ऐसा नहीं मैं आपको कटहल दूंगा तो आप चिल्लाने लगोगे अंगूर है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई किया, आप उसको पहचान रहे हो। कैसे पहचान रहे हो, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर साइज आपने देखा है, उसका एक पर्टिकुलर शेप आपने देखा है। तो वो कैसा ग्रोथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, फ्रूट हमारा लिमिटेड ग्रोथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये हो गया फ्लावर और फ्रूट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। अनलिमिटेड ग्रोथ में अगर आप बात करो तो प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेम का ग्रोथ। जो स्टेम का ग्रोथ होता है
उसके अंदर जो ब्रांचेज होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो वो कैसा ग्रोथ शो कर रहा है? अनलिमिटेड। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं रूट के बारे में, तो प्लांट के अंदर जो रूट होता है एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, तो भी कैसा ग्रोथ शो कर रहा है? अनलिमिटेड ग्रोथ। एक्जिलरी बर्ड ईटीसी ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ कौन सा ग्रोथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? अनलिमिटेड। तो ग्रोथ दो टाइप के और हो सकते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी सी बात बोलती है। एनसीईआरटी बोलती है कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, और जब हम बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो वहां पे ग्रोथ अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म की जब आप बात करोगे यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा के अंदर अगर ग्रोथ होगा तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ ही होंगे, मतलब वो टूटेगा फिर बड़ा होगा, तो वहां पे दोनों अलग अलग नहीं है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक हायर ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो अलग होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग होता है। तो यहां पे नोट करने वाली चीज मैंने आपको बताई है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके अंदर जो ग्रोथ होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है, बोथ आर इंक्लूसिव, दोनों कैसे हैं, प्रॉपर्टी म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक जैसे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन द केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग अलग है। तो ये चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो ग्रोथ के बारे में ये बात हुई। अब यहां पे बात आती है कि क्या इतना स्टडी करने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है क्या कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये केस तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है और लिविंग में भी हो रहा है, तो जब लिविंग नॉन लिविंग दोनों में हो रहे हैं तब तो हम नहीं बोल सकते ना कि उसको वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाता है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब यहां पे, हाँ ये भी लास्ट में नोट कर लीजिएगा कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें बात करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक है।